हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम बनाने आ रहे हैं यप्पी मैगी, मगर मैगी के हिसाब से बनाएंगे। मतलब अगर हमारा नूडल खाने का मन है और हमारे पास यप्पी मैगी पड़ी है या फिर मैगी पड़ी है, तो हम उसे नूडल की तरह कैसे बना करके खाएं, तो आज हम वही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये दो पैकेट हमने ले लिया यप्पी मैगी, और ये देखिए इसको खोल लिया है। तो आगे क्या करते हैं ये भी देख सकते हैं। हमें नूडल्स को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ ही रखना है। तो चलिए, इसके जो टेस्ट मेकर हैं वो हमें अलग हटा कर रख लेने हैं, और इसे हम आगे देखिए करते हैं क्या। तो ये सारे हम टेस्ट मेकर अलग हटा कर रख लेंगे। और आप देखिए, पानी में हमारा 2 ग्लास पानी रख दिया था, जिसमें आ गया है बॉयल। अच्छे से बॉयल आ जाए तो ऐसे ही एज इट इज़ हमें यप्पी डाल देनी है। तो इसको हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल। जब हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो आप स्पून से आप चला दें, उसको टूटे नहीं। इसी तरह से हमें बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें स्पून से हिला देना है जिससे कि ये टूटे नहीं बस। और इसे हमें 90% कुक करना है, 90 या 95% आप कुक कर लीजिए। और ये देखिए, इस तरह से हम देख लेंगे हाथ से कि हम इसको दबा रहे हैं, तो ये हमारी कुक तो हो गई है अच्छे से। मैश करने पर मैश हो रही है, मगर अपने आप मैश नहीं हो रही, एकदम गली नहीं है। तो इसको 95 या 90% कुक कर लेना है। तो देखिए, इस तरह की हम छेद वाली एक ले लेंगे जाली, तो इसको हम डालेंगे और इससे हम निकाल कर इसमें इसका पानी निकाल देंगे, और इसका कुकिंग प्रोसेस है बंद हो जाए, इसकी वजह से हम इसको धुल देंगे मैगी को ठंडा पानी डाल करके। तो ये देखिए, इसमें हम डाल रहे हैं बटर, तो धुल करके साइड में रख दी है मैगी। और अब इसे हम इसमें हम बटर डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप ऑयल या जिस चीज़ में बनाना चाहें उसमें बना लें। तो देखिए, बटर हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम लहसुन डाल रहे हैं, क्योंकि लहसुन हमने 2 कलियाँ ले ली थी, हमारी थोड़ी सी बड़ी लहसुन की कलियाँ थी। आपको जितना इन्ग्रीडियंट ऐड करना है, चाहे वो लहसुन हो या फिर प्याज हो, उस हिसाब से डाल लें। तो देखिए, हमने लंबी लंबी स्लाइस में प्याज को कट कर लिया था। इनको हम हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ जो खाना होता है, फूड होता है, वो हाई फ्लेम में ही बनता है। तो ये देख सकते हैं, इसमें हमने 2 चुटकी नमक डाल दिया है, और अब इसे हम अच्छे से कुक करेंगे, क्योंकि नमक डालने से प्याज हमारा अच्छे से पानी छोड़ देता है, तो जल्दी कुक हो जाता है। तो ये देखिए, मैगी हमने ले ली है, इसका पानी निकल गया था सारा, तो ले लिया है। उसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डाल दिए हैं। तो आप देखिए, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि ये मैगी हमारी आपस में नूडल्स चिपके नहीं और ये अच्छे से बने रहे। तो देखिए, प्याज भी हमारे अच्छे से हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 कटा हुआ मीडियम साइज़ का टमाटर। आप इसकी जगह पर शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, आप जो भी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं, मटर वगैरह, वो ऐड कर सकते हैं। हम आज ये सभी चीज़ें नहीं ऐड कर रहे हैं, आज हम सिंपल सी बना रहे हैं एकदम से। देखिए, मैगी मसाला जो हमारे यप्पी में टेस्ट मेकर निकला था, उसमें जो मसाला था वो हमने डाल दिया है, और हमने डाल दिया है 1/2 ग्लास के करीब पानी, क्योंकि जो ये टेस्ट मेकर होता है, इसमें जो ड्राई सब्जियां होती हैं, जिससे कि वो अच्छे से पक जाएं और फूल करके उभर आएं, तो इस वजह से अब इसको हम ढक करके पका लिया है। देखिए, अब इसमें हम अपना ले लेंगे 1 पनीर का क्यूब। अब उसे हम घिस देंगे, जितना आप पनीर ऐड करना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। आपके पास चीज़ स्लाइस हो वो भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास नहीं चीज़ स्लाइस या क्यूब वाला पनीर नहीं है तो सिंपल पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, सारा कुछ बन चुका है। अब इसमें अपने नूडल्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। क्यूब्स वाला पनीर डालने के बाद आप इसे पकाएं नहीं ज़्यादा, वरना फिर ये तली में चिपकने लगता है। नॉन स्टिक पैन है, फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, स्टिकी सा हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि मैगी हमारी टूटे नहीं। तो इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को कर दिया है बंद, और ये सारा मिक्स हो चुका है। तो इसमें डालेंगे ऑर्गेनो 1 स्पून के करीब, और अब इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी मैगी बन करके तैयार हो जाएगी हमारी, खाने में भी बहुत हेल्दी है, टेस्टी है। देखिए, आज जो लोग डाइटिंग करते हैं, जो पनीर वगैरह खाना अवॉइड करते हैं, तो उनका पनीर आप कैंसिल कर दें, और भी चीज़ें ऐड कर लें, सब्ज़ी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिएगा, हम अपना मैगी को नूडल्स को सर्व कर रहे हैं, कितना यम्मी टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल एक एक नूडल्स हमारा खिला खिला लग रहा है, बिल्कुल मैगी की तरह, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बना करके तैयार करेंगे, इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे क्यूब वाले चीज़ से, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, और बच्चों के लिए पनीर वगैरह बहुत अच्छा होता है।
तो ये देख सकते हैं इस तरह से डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी लगता है। आप जिस हिसाब से जितना भी पनीर डालना चाहें अपना ऐड कर सकते हैं अपने हाथ से। तो ये देखिए कितना यम्मी और कितना डिलीशियस लग रहा है खाने में, एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां चाट जाएंगी, इतना टेस्टी और इतना यम्मी बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल एक खुलकर नूडल्स आया हुआ है हमारा। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नूडल आपका खाने का मन है और नूडल से ही बनेगा, नहीं, आप कोई भी मैगी या यप्पी मैगी ले सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर ये वीडियो